सोनभद्र नरसंहार मामले में सियासत गरमाती जा रही है। पीड़ित परिवारों से मिलने पर अड़ी प्रियंका गांधी को प्रशासन ने पीड़ितों से मिलवाया है। चुनार गेस्ट हाउस में पीड़ित परिवार प्रियंका से मिलने पहुंचे। प्रियंका गांधी का कहना है कि 15 लोग मिलने आए थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को ही मिलने दिया गया। प्रियंका ने कहा कि प्रशासन बताए मुझे गेस्ट हाउस में क्यों रखा गया है। ये घटना ऐसे हुआ कि हमने जब इसमें जुताई बुआई हम लोग कर रहे थे, प्रधान जी, हमने ये सफीक जो है हमारा प्रधान जी है, इसने जो है कि ज़मीन उसने खरीदा कि हमने इस ज़मीन को खरीद लिए हैं, न उसने कागज पत्र अपना दिखलाया, न कुछ भी दिखाया। हम लोग भी कागज जो है कि कोर्ट में लगा दिए, वो भी अपना कागज कोर्ट में लगाया, न उसने नपाया न जोखाया, जबरदस्ती फिर उसने चघाई कर दी। जहाँ उसने जोतने का वहाँ जोता भी नहीं, वो सीधे अपना हमारे कांस में वो जोताई करने लगा, और इसलिए जो है कि फिर लड़ाई शुरू हो गई। सोनभद्र की घटना को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल राम नाईक से मिला। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की अगुवाई में नेताओं ने पीड़ितों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को रोकने पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जबकि सोनभद्र जा रहे टीएमसी नेताओं को वाराणसी में ही हिरासत में ले लिया गया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लगाया। असंवैधानिक डर से प्रियंका गांधी जी से डरी हुई, सहमी हुई ये सरकार, चूंकि वहां जो नरसंहार हुआ है जिसमें 300-400 लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर गए हैं, वो प्रशासन की और हत्यारों की, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हत्यारों की मिली सुली साजिश की वजह से हुआ है। तो नहीं चाहती सरकार, प्रशासन नहीं चाहता कि पीड़ितों के आंसू कोई पूछे। हम पीड़ितों के आंसू इसलिए पूछना चाहते हैं कि जिससे देश में कभी ऐसी कोई घटना हो तो लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो ये जो कुछ हुआ है असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, और ऐसा लगता है जैसे अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पापों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए लगा रखा है। देखिए, हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार है कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो संवेदनशील घटनाएं होती हैं उस पर हर दलों को चिंतन करना चाहिए कि तनाव ना हो, शांति व्यवस्था कायम हो। ये अकेले सत्ता पक्ष का कर्तव्य नहीं है, ये विपक्ष का भी कर्तव्य बनता है। जहां धारा 144 लगी हो, अभी इतना बड़ा हादसा होके चुका हो, लोग तनावग्रस्त और दुखी मन से हों, वहां पर इस प्रकार से केवल राजनीतिक मंतव्यों को पूरा करने के लिए कोई वहां पर जाए, मैं समझता हूं उचित नहीं है।